दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर एसपी सिंह, एकता हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे एक मिसकंसेप्शन के बारे में जो लोगों के दिल में घर कर गई है कि होम्योपैथी एक स्लो एक्टिंग साइंस है, या ये कहें कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे काम करती है और एलोपैथिक मेडिसिन बहुत तेज़ काम करती है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि बीमारी जो है, कोई भी प्रॉब्लम जब ह्यूमन बॉडी में होती है तो वो क्रॉनिक केसेस में अचानक से नहीं होती, उसको डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, तब जाके वो प्रॉब्लम जो है डेवलप होती है। तो एक चाइनीज सेइंग है, एक दैट द डिजीज कम्स ऑन हॉर्स बैक एंड गोज ऑन फुट। मतलब कि बीमारी आती तो घोड़े की पीठ पे चढ़ के है, लेकिन जाती पैरों से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब बंदा बीमार पड़ता है तो उसको ये लगता है कि मैं अचानक से बीमार पड़ गया। अचानक से बीमार, कोई बंदा अचानक से बीमार नहीं पड़ता। बीमारी जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, और उसको डेवलप होने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जब उसको इग्नोर किया जाता है तो प्रॉब्लम जो है बहुत क्रिटिकल जो है रूप धारण कर लेती है। तो आज इसी के बारे में बात करना चाहता हूं मैं कि ये लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो धीरे काम करती है और एलोपैथिक मेडिसिन तेज़ फास्ट काम करती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। अब देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए कि जब आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बीमारियों, पहले आप बीमारियां देख लो, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, टीबी है। तो इस मिन में क्या है कि डॉक्टर क्या बोलता है आपको, बीपी, शुगर, थायराइड, इसमें बोलता है कि ये जी आप गोली लेनी शुरू कर दो और आपको ये गोली जो अब सारी उम्र ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि डिजीज ठीक होनी तो अब पॉसिबल ही नहीं रही। अब तो ये है कि अब आपको सारी उम्र इस गोली पे रहना पड़ेगा, फिर ये गोली काम करना बंद कर देगी, फिर आपको इसकी पोटेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी और इसकी फिर इसके और आगे, फिर एक गोली, फिर दो गोली। तो इस तरीके से आपको गोलियों की जो है क्वांटिटी उसको इंक्रीज करना होगा, तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी लर्निड होम्योपैथ के पास जाओगे जिस बंदे को क्लासिकल प्रैक्टिस करनी आती है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पेटेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं आजकल कि यहाँ से पेटेंट उठा के दे दिया, वहाँ से पेटेंट उठा के दे दिया, मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कर रहा हूँ क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि देखो, जिस बंदे को क्लासिकल प्रैक्टिस करनी आती है और जिस बंदे को नॉलेज है, तो वो बंदा जो है आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है इस बात का कि कोई भी बीमारी, वो टीबी हो, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, वो प्रॉपर मेडिसिन से ठीक हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको दोगे और बंदा जो पेशेंट है जो वो आपसे कोऑपरेट करेगा, वो आपके कहने के मुताबिक अपना खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेगा, तो डेफिनेटली वो उस बीमारी से निकल सकता है और उसको सारी उम्र दवाई भी खानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये कहना कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो काम करती है और एलोपैथिक मेडिसिन तेज़ काम करती है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसकंसेप्शन हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन
मैं समझता हूं कि ज्यादा तेज काम करती, ज्यादा फास्ट काम करती है, उसके आपको जो आपको रिजल्ट्स उसके जल्दी मिल सकते हैं अगर प्रॉपरली सिलेक्ट करके मेडिसिन दी जाए और आपको सारी उम्र मेडिसिन भी खानी नहीं पड़ेगी। जब एक बार आप ठीक हो जाओगे तो फिर कंडीशन स्टेबल हो जाएगी और आप अगर अपना खान पान अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे तो फिर दोबारा आपको फिर उसको रिपीट करने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से आपको फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो होम्योपैथी में जो प्लस पॉइंट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी बंदे की इम्यूनिटी को डाउन नहीं करती। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका मेन जो तरीका है काम करने का वो ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना ताकि वो खुद बीमारी से लड़ ले। वो खुद ये नहीं करती, हाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ये नहीं करती कि बैक्टीरिया मार दे वायरस मार दे तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी बीमारी जो है चाहे वो बैक्टीरियल है वायरल है आपकी बॉडी के अंदर तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसको ग्राउंड अवेलेबल ना हो। आप एग्जांपल ले लीजिए, देखो आप धरती में आप फसल बोते हो तो आप ऐसे वहाँ बीज अगर आप स्प्रेड कर दोगे तो आपको लगता है कि फसल उग पड़ेगी? नहीं उगेगी। जब तक आप हल नहीं चलाओगे पानी नहीं दोगे बस लैंड को तैयार पूरी तरह से उसको तैयार नहीं करोगे उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो फसल का उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से हमारे अंदर जब तक ग्राउंड जो है प्रॉपरली तैयार नहीं होती तब तक कोई बीमारी जो है ग्रो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें, ये समझ लें बात कि बीमारी जो है उसका उसका होने का कारण क्या है। जो मैं सीरीज आजकल बना रहा हूँ कि वाई डू वी फॉल सिक, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अगर इस बात को आप समझ लो अच्छी तरह से तो फिर डेफिनेटली आपकी बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। आप बहुत सारे पैसे बर्बाद करने से बच सकते हो, आपका टाइम बच सकता है। तो आप अपना खान पान अपना लाइफस्टाइल सही करें और सही सोचें, अपनी सोच को बदलें और गलत मेडिसिन का इस्तेमाल कभी मत करें। गलत मेडिसिन इन द सेंस कि देखो कि आजकल पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास, आप देखिए आपका अपने घर में देखिए कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो ले ली वहाँ से एंटीबायोटिक उठा के ले ली, पेन किलर ले लिया, पैरासीटामोल ले ली। आगे आज से 30-40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना था कि लोग पैरासीटामोल लेते हैं। मैं तो देखता था जब बच्चे को बुखार चढ़ गया तो माँ क्या करती थी, तुलसी लेती थी, लौंग इलायची लेती थी, चाय बनाती थी, उसको पिलाती थी और बोलती थी बेटा कपड़ा लेके सो जा, बेटा कपड़ा ले ले और ऊपर पंखा बंद कर दे, 10 मिनट में स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, तेरा बुखार उतर जाएगा। अगर आपका गला खराब हो गया तो नमक डाल के गरारे कर ले। तो मतलब ऐसे फार्मूले तब काम करते थे लेकिन आजकल काम क्यों नहीं करते, कभी आपने इस बात पे विचार किया, कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन चली गई, हमने अपनी इम्यूनिटी का सत्यानाश कर लिया। कैसे कर लिया? गलत सोच से, गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से और गलत दवाइयों से। ये सब चीज़ों ने मिलके हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद कर दिया और अब हमारे में लड़ने की शक्ति नहीं रही, हमारी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति ही नहीं रही। इसलिए जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रोलॉन्ग होती चली जाती है। तो इसका कारण यही है जो मैंने आपको कारण सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये कारण हैं। हाँ एक कारण इसमें जो अलग है वो है बैड इनहेरिटेंस, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, कि जो हमें विरसे में मिलता है हमारे पेरेंट्स से वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। लेकिन उसके लिए एलोपैथी में या आयुर्वेदिक में कोई मेडिसिन नहीं है उसको कवर करने के लिए, या उसको बैड इनहेरिटेंस को कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए। अगर मेडिसिन कहीं है तो वो सिर्फ होम्योपैथी में है और होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है,
बस थोड़ी हैं 8-10 मेडिसिन हैं जो बैड इनहेरिटेंस पे काम करती हैं और उनको देना पड़ता है ताकि कंप्लेंट जो बार बार हो रही है वो दोबारा से ना हो, वो कंप्लेंट जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और क्योर हो जाए। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन कि होम्योपैथिक मेडिसिन जी स्लो एक्टिंग है और एलोपैथिक मेडिसिन फास्ट एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। अब मेरे पास केसेस आते हैं हर्पीज जॉस्टर के। अब हर्पीज जॉस्टर जो बीमारी है, आप देखो एक वायरल डिजीज है और इसका नॉर्मल कोर्स जो होता है वो 15-20 दिन का होता है। तो लोगों को ये लोगों ने अपने दिमाग अपने जो ब्रेन में एक पिक्चर बना रखी है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो बस ये जो मेडिसिन लेने से ये 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगी। 8-10 दिन में ऊपर से तो क्लियर हो जाएगी भाई, पर अंदर का क्या? वो वायरस जो है धीरे धीरे आपके स्मॉलर ब्रेन में वो स्प्रेड हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा वो आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू होता हुआ, और फिर आपको थोड़े सालों बाद या थोड़े महीनों बाद फिर आपको सेरिबेलर अटैक्सिया का सामना करना पड़ेगा। और मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, किसी को फ्लैट फुट हो गया है, किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी को बर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है, किसी को आँख से दिखाई देना बंद हो गया है, किसी के कान से सुनाई देना बंद हो गया है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसीलिए आती हैं कि जब आप वायरस का प्रॉपरली बंदोबस्त नहीं कर रहे, प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं कर रहे और आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो। देखो अगर आपको पता हो कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स पहले होती थी बच्चों में तो कोई मेडिसिन नहीं दी जाती थी, क्योंकि उसका एक नॉर्मल कोर्स होता है, वो अपना कोर्स रन करती है और डिजीज अपने आप जो है ठीक हो जाती है। तो वही चीज है, चिकन पॉक्स का वायरस ही तो है जो हर्पीज जॉस्टर वायरस है। तो हर्पीज जॉस्टर जब होती है तो उसका नॉर्मल कोर्स वो रन करती है, 15-20 दिन में वो ठीक हो जाती है। और उसको अगर आप प्रॉपर मेडिसिन से ठीक करोगे, अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको ठीक कर लोगे तो आप डेफिनेटली बाद में सफर नहीं करोगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वो जो वीडियो मैंने वहां अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो प्रैक्टिकली हूबहू मैंने फेस की है, वो मैंने खुद अपने बॉडी पे उसको झेला है आज से 26-27 साल पहले। उसमें कुछ भी जो है बुक नॉलेज नहीं है, वो किताबी नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल है जो मैंने खुद अपने पे फेस मैंने अपनी बॉडी पे झेला, वही चीज मैंने सारी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी। तो लोग उसको देखते हैं और फिर भी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वो फिर बाद में ऐसी बीमारी पैदा कर लेते हैं कि जिसका कोई फिर रिवर्स नहीं होता। मेरे पास अनेकों केसेस आते हैं, रोज केसेस मेरे को रिपोर्ट करते हैं कि हमें 4 साल पहले ये निकली थी, उस टाइम तो हमने इसको ठीक कर लिया था, लेकिन आज हमारे पेट में इतनी बर्निंग हो रही है कि कोई डॉक्टर हमें रिलीफ नहीं दे पा रहा और दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए, लाखों रुपए हमने टेस्टों पे लगा दिए लेकिन कुछ नहीं आया सामने, लेकिन बर्निंग हट नहीं रही। तो जो सेरिबेलर अटैक्सिया है ये सबसे भयंकर कॉम्प्लिकेशन है हर्पीज जॉस्टर की, क्योंकि हर्पीज वायरस जो है वो आपके स्मॉलर ब्रेन में जो पीछे जो हमारा बैलेंसिंग ब्रेन है उसमें पहुंच जाता है और पहुंच के फिर लोकोमोटर अटैक्सिया या सेरिबेलर अटैक्सिया उसको बोलते हैं वो क्रिएट कर देता है, जिसके साथ क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बोलना मुश्किल हो जाता है, आपके हाथ ट्रेम्बल करने लगते हैं और फिर उसका कोई रिवर्स नहीं होता, उसको रिवर्स नहीं कर सकते फिर आप, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और डैमेज जो है बहुत बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका होता है। तो मैं बार बार ये चीज मैं बोलता हूं और बताता हूं, मैं लोगों को डराने का या उनको ये बात बताने का कि इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैं देख रहा हूं और वो प्रैक्टिकली जो ट्रू है वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई इसको लाइटली मत लो। आप ये मत समझो कि हमने एलोपैथिक मेडिसिन ले ली और इसको 5-6 दिन में ठीक कर लिया, ये 5-6 दिन में ठीक नहीं होती, इसका नॉर्मल कोर्स होता है जो इसने रन करना होता है।
और अगर प्रॉपर मेडिसिन मिल जाए तो ठीक हो जाती है, बिल्कुल परफेक्टली क्योर हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको शॉर्टकट मेथड से इसको ठीक करने की कोशिश की या कर लिया, तो फिर समझो आपको बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ेगा, आप इसी कॉम्प्लिकेशन से बच नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि लोगों को जो मिसकंसेप्शन है कि एलोपैथिक मेडिसिन फास्ट एक्टिंग है, होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो एक्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन इज टू फास्ट एक्टिंग। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन करेक्ट सिलेक्ट करके आप दोगे तो डेफिनेटली पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा देर लगेगी उसमें। मेरे पास हैं पेशेंट्स जो मैंने देखा है कि एक लड़की मेरे पास थी पेशेंट, और उसको IBS की प्रॉब्लम थी और उसको दयानंद मेडिकल कॉलेज से 4 साल मेडिसिन दी गई थी, 4 साल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो मेडिसिन लेती रही और उसकी प्रॉब्लम वहीं की वैसे रही। लेकिन फिर बाद में जब वो मेरे पास उसको लाया गया तो वो लड़की जो है 8 महीने में बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने उसको डिस्चार्ज कर दिया, बिल्कुल मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा वो अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। और इसलिए आप अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लेना मेरे को, तो मैं बता दूंगा कि क्या करना है। लेकिन वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने उसको एक जो इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दी है कि आप अपने खान पान को बिल्कुल सही रखना, खान पान में कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि खान पान अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है रिलैप्स हो सकती है। इसलिए मैंने उसको सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैंने उसको बिल्कुल बोल दिया कि अब आपको फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लेना, ऐसे अनेकों केसेस हैं, एक नहीं अनेकों केसेस आपको मिल जाएंगे जो इतने इतने सालों से मेडिसिन ले रहे हैं। अगर एसिड रिफ्लेक्स के केसेस हैं, IBS के केसेस हैं, लीवर प्रॉब्लम के केसेस हैं, कॉन्स्टिपेशन के केसेस हैं, माइग्रेन के केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं, जो जो लोग महीनों से सालों से दवाई ले रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम कहीं नहीं जाती, प्रॉब्लम बनी वैसे की वैसे बनी रहती है। लेकिन आप फिर इस बात का जवाब दो मेरे को कि आपको लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन शॉर्टकट है, वो जल्दी से क्योर कर देती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना है कि पेशेंट को इस बात की तकलीफ होती है कि मेरे को डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को पैसे ना देने पड़े। एलोपैथिक डॉक्टर मेरे से कितने भी पैसे ले ले, कितने भी टेस्ट करवा ले मेरे, मैं करवा लूँगा, मैं लाखों रुपए टेस्टों में लगा दूंगा, मैं डॉक्टर को पैसे दे दूंगा क्योंकि उसकी डिग्री बड़ी है। लेकिन किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर को शायद हक ही नहीं पैसे लेने का। तो चलो ये आपकी सोच है, आपकी मिसकंसेप्शन है, आपके दिमाग में ये चीज़ जो है घर कर गई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर की डिग्री इतनी बड़ी नहीं है, उसको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो लंगर में वो खाना खा लेगा, उसको उसकी ज़रूरतें नहीं होती? तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो किसी डॉक्टर ने मुहैया नहीं करवाई मैंने आपको YouTube पे डाल दी और डाल रहा हूँ मैं। अगर फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी अगर आपका ब्रेन जो है साथ नहीं देता या आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही नहीं है, तो भाई आप अपनी मन की करें। लोग आते हैं मेरे पास, वो फिर चीखे मारते हुए आते हैं कि हमने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी और अब हमारी पेन जो है हट नहीं रही, अब हमें बर्निंग हो रही है, अब हमें कांटे चुभ रहे हैं, अब देखो अब बताओ क्या करें। तो मतलब ये है कि वही चीज़ जो 1 महीने में ठीक हो सकती है उसी चीज़ पे 6 महीने पैसे लगाने और 6 महीने टॉर्चर जो है झेलना, ये कहाँ की अकलमंदी है भाई? ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और इस वक्त जो ट्रेंड जो दुनिया में जो बहुत प्रिवेलेंट है वो ये है कि जल्दी जल्दी से बस ये अभी मेडिसिन खाई और अभी बंदा ठीक, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि बीमारी अपना कोर्स रन करेगी, चाहे वो क्रॉनिक है चाहे वो एक्यूट है, वो एक्यूट में तो एक कोर्स होता ही है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में भी लोग बिगाड़ लेते हैं। जो पहले जी मेरे को ये हुआ था, फिर मेरे को एसिड रिफ्लक्स हो गया, फिर अब मेरे को लेक्सलेस हो गया, फिर मेरे को हाइटस हर्निया हो गया, तो कंप्लेंट बढ़ती चली जाती है। निमोनिया हुआ था, अस्थमा हो गया, TB हो गई, तो ये सब चीज़ें मैंने डाल रखी हैं कि ये सब होता है। और ये इसी कारण होता है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि हमें किन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, कि ये जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं ये दवाइयाँ हमारी हेल्प नहीं करेंगी और अल्टीमेटली हमें सफ़र करना पड़ेगा, हमें जो पैसा हमने कमाया है सारी उम्र वो पैसा हमें हमारी बीमारी पे लगाना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।